गिद्धों के अंदर छुपे इंसानों से लेकर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में छुपे सोने तक, ये है एयरपोर्ट सिक्योरिटी द्वारा रोकी गई कुछ हैरतअंगेज तस्करी की वारदातें। मूंगफली में माल। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर एक यात्री को पके हुए मीट के टुकड़ों, मूंगफली और बिस्किट के साथ पकड़ा गया। शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई मूंगफली और बिस्किट ले जाना कब से गैर कानूनी हो गया। दरअसल यहाँ मीट के टुकड़ों, मूंगफली और बिस्किट के अंदर 45 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की तस्करी की जा रही थी। तस्करी करने वाले इस शख्स का नाम मुराद अली बताया गया, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर दुबई के लिए एयर इंडिया का विमान लेने वाला था। मुराद अली ने खाने के सामान में रुपए छुपाकर तस्करी करने का नया तरीका आजमाया। सुरक्षा बलों को मुद्रा तस्करी के इस नए तरीके का उस वक्त पता चला जब मुराद अली की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उन्होंने उससे पूछताछ की। CISF के प्रवक्ता सहायक महानिरीक्षक हेमेंद्र सिंह ने बताया कि जब्त मुद्रा की कीमत करीब 45 लाख रुपए है। गद्दे के ऊपर नहीं, अंदर है इंसान। सामान तो सामान, आजकल जिंदा इंसानों तक की तस्करी हो रही है। जी हाँ, मोरक्को में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला जहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने सिंगल बेड के दो गद्दों की जांच की तो पाया इनके अंदर साक्षात दो जिंदा इंसान विराजमान थे। ये दो लड़के गद्दों के अंदर छिपकर देश से बाहर निकलने की फिराक में थे। गद्दों के अंदर वो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दिए, हालांकि इतना जरूर है कि पकड़े जाने के डर से उनकी बुरी तरह फटी पड़ी थी। हिलता हुआ थैला। तस्करी का ये अगला मामला चेन्नई का है। चेन्नई हवाई अड्डे पर एक शख्स एक ऐसी चीज की तस्करी करते हुए पकड़ा गया जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। यहाँ इस यात्री को एक थैले के साथ पकड़ा गया जिसमें लगातार हरकत हो रही थी। जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने इस थैले को देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसके अंदर कोई जिंदा जीव है। बता दें कि इस यात्री के थैले से तेंदुए का बच्चा बरामद हुआ। काजा मोहिद्दीन नाम का ये शख्स चेन्नई के रहने वाला था। अधिकारियों के मुताबिक काजा मोहिद्दीन को गिरफ्तार करके तेंदुए के बच्चे को वन विभाग के कर्मियों को सौंप दिया गया। खास बात यह है कि इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ तेंदुए के बच्चे को बोतल से दूध पिलाते दिखाई दिए। सैनिटरी पैड के पीछे क्या है? एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों को चकमा देने के लिए तस्करों के नए नए आइडिया देखने को मिलते हैं। हाल ही में कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिला तस्कर को पकड़ा गया, जिसके अनोखे आइडिया के बारे में सुनकर आप बेशक चौंक जाएंगे। इस महिला ने कस्टम व सुरक्षा अधिकारियों की नजरों से बचने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग में करीब 500 ग्राम सोने का पाउडर छिपाकर सैनिटरी पैड के साथ कवर किया हुआ था। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला का नाम परवीन सुल्ताना अब्दुल रशीद बताया गया, जो कि बैंकॉक से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची थी। घबराई हुई परवीन सुल्ताना एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए जब चेकिंग से गुजर रही थी तब सुरक्षा में तैनात CISF अधिकारियों को महिला पर शक हुआ। जांच में उसके शरीर में धातु की उपस्थिति के बारे में पता चला, जिसके बाद परवीन सुल्ताना को गहन जांच के लिए महिला ऑफिसर्स को सौंप दिया गया। उस दौरान महिला के गुप्तांग में एक प्लास्टिक का पैकेट मिला। पैकेट में 500 ग्राम सोने का पाउडर था जिसको महिला ने सैनिटरी पैड के साथ कवर किया हुआ था। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पेट को बना डाला गोदाम। इसी साल फरवरी महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को अपने गुप्त सूत्रों से खबर मिली कि दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर कुछ अफगानी नागरिक हेरोइन की तस्करी करने वाले हैं।
जिसके बाद अफगानिस्तान से आने वाली उड़ानों पर नजर रखनी शुरू कर दी गई और सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पैनी नजर से तस्कर बच नहीं पाए। यहां तीन संदिग्ध अफगानी नागरिकों को दबोच लिया गया। जब डॉक्टर्स ने तीनों का एक्सरे किया तो दंग रह गए। तीनों के पेट में बड़ी मात्रा में हेरोइन से भरे कैप्सूल पड़े थे। एनसीबी के मुताबिक तीनों की पहचान नियामतुल्ला खाकसार, गुल अहमद और सैयद महमूद कितली के रूप में हुई। खाकसार के पेट में 80 कैप्सूल थे, गुल अहमद के पेट में 100 कैप्सूल थे, वहीं सैयद के पेट में 40 कैप्सूल बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई। अधिकारियों के अनुसार अफगानी तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए अमूमन ड्रग्स के कैप्सूल पेट में निगल कर भारत आते हैं और इससे पहले ऐसे कई तस्करों को पकड़ा भी जा चुका है। खैर, इन सभी में से कौन सी तस्करी आपको सबसे अजीब लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।